राहतगढ़ किला भारत के मध्य प्रदेश में बीना नदी के पास एक पहाड़ी के ऊपर स्थित समय का एक प्रहरी वीरता विजय भी और लचीलेपन की कहानियों के साथ एक समृद्ध और उतार चढ़ाव भरा इतिहास समेटे हुए है इसकी कहानी सदियों पुरानी है प्राचीन साम्राज्यों बहादुर शासकों और प्रतिरोध की अदमय भावना की काना है जबकि किले की के वर्तमान अवतार का श्रेय सत्रहवीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद खान को दिया जाता है पुरातत्विक साक्ष्य बहुत पुरानी उपस्थिति का सुझाव देते हैं अलेक्जेंडर कंडिंगम द्वारा खोजे गए बारह के एक शिलालेख में परमार राजा जयवर्मन द्वितीय का उल्लेख है जो तेरहवीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि परमार राजा द्वारा कब्जा किए जाने से पहले यह स्थल चंदेल शासन के अधीन रहा होगा सुल्तान मोहम्मद खान ने इस स्थान के सामरिक महत्व को पहचानते हुए उस शक्तिशाली किले का निर्माण करवाया जिसे हम आज देखते हैं मजबूत पत्थर से बनी इसकी भव्य दीवारें मिलों तक फैली हुई है जो छियासठ एकड़ में फैली हुई है छब्बीस विशाल मीनारे मीनारों को विराम देती है जो आक्रमणकारियों के खिलाफ मूक संरक्षण के रूप में खड़ी है किले बंदी आलिंगन के भीतर महल मस्जिद और मंदिर है जो क्रमिक शासकों द्वारा बुनी गई विविध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का प्रमाण है बहादुर रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण सिंह के अधीन गोंडवाना साम्राज्य ने राहतगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुगल सम्राट अकबर के हाथों उनके दुखद निधन के बाद राहतगढ़ शांति सुनिश्चित करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में पेश किए की गए किलों में से एक बन गया हालांकि गुंडों की भावना कम नहीं हुई और किले ने अपनी खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए राहतगढ़ की दीवारें न केवल तलवारों की खनक से बल्कि आज़ादी की जोशीले चीखों से भी गूंज उठी अठारह के भारतीय विद्रोह के दौरान किला ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया बख्त खान ने के नेतृत्व में विद्रोहियों ने औपनिवेशिक ताकत ताकत को लटकारा किले के चंगुल से भागने का साहस किया और अपने पीछे साहस और अवज्ञा की विरासत छोड़ गए अपने मार्शल अतीत से परे राहत कलात्मकता और सुंदरता की कहानी सुनाता है इसकी संरचनाओं को सुशोभित करने वाली जटिल नकाशी हरे भरे बगीचों के अवशेष और शांत तालाब उस समय की बात करते हैं जब कला और मनोरंजन इसके मजबूत आलिंगन में फलते फूलते थे आज भी किला आसपास की का पहाड़ियों और नीचे चांदी के रिबन की तरह बहती बिना नदी के मनमोहक दृश्यों से पर्यटकों को आकर्षित करता है समय की मार झेलने के बावजूद राहतगढ़ किला अपनी राशि आभा बरकरार रखता है हाल के वर्षों में इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं पुरातत्विक उत्खनन इसके अतीत के रहस्यों को उजागर करना जारी रखता है जबकि पुनर्स्थापना परियोजनाओं का लक्ष्य इसकी धोती संरचनाओं में नई जान फूंकता है